तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती गई माय लॉर्ड, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। मैं ये सनी देओल के फिल्म के डायलॉग नहीं, मनीष कश्यप केस की सच्चाई बयां कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं चिंटू चुट्टा, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने छेदा पॉलिस न्यूज में। अभी मैं हूँ मुजफ्फरपुर जिले में, जहाँ मैं मिला हूँ कुछ विकलांग लोगों से, मोदी जी के शब्दों में कहा जाए तो दिव्यांग लोगों से। क्या नाम हुआ भैया आपका? बुधनमा जी। क्या नाम हुआ भैया? ऋतिक कुमार। आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये मनीष कश्यप को रिहा करो, उधर मनीष कश्यप को रिहा करो का पोस्टर लिए हुए, उधर फोटो लिए हुए, देखिए वो फोटो वहाँ पे जो है लिए हुए हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर? दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जा रहे हैं? आपको पता है दिल्ली कितना किलोमीटर दूर है? 1000 किलोमीटर दूर। कथी से जा रहे हैं? अपना गाड़ी से, हाथ से चला कर। इस गाड़ी से चला कर आप दिल्ली जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जा रहे हैं मतलब कौथी से जा रहे हैं? ट्रेन उड़ेन से जा रहे हैं? कौथी से जा रहे हैं? ना ना, यही गाड़ी से जा रहे, चला के जा रहे हैं। इस गाड़ी को चला करके आप दिल्ली चल जाइएगा? कहाँ ना जा सकते हैं, जब दशरथ माँ जब दिल्ली जा सकते हैं पैदल वो हो, तो हम तो लोग गाड़ी से हैं, क्यों नहीं जा सकते हैं? मतलब जब दशरथ माझी पैदल चलकर दिल्ली जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ, ये कहना है ऋतिक भाई का। लेकिन क्यों दिल्ली आप लोग क्यों जा रहे? कोई काम है क्या? बहुत काम है, राष्ट्रपति से मिलना है। आप दिल्ली जा रहे किससे मिलने? राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं। लेकिन क्यों दिल्ली, मतलब राष्ट्रपति जी से आपको क्या काम आ गया? कोई दिक्कत है? विकलांगता का पेंशन से नहीं मिल रहा है, कोई परेशानी है क्या आप लोगों को? दिल्ली राष्ट्रपति से बहुत काम है, आपको पता नहीं है कि बिहार में क्या हो रहा है, क्या नहीं होना चाहिए। परेशानी क्या है आपको? परेशानी खुल के बताइए, बिहार में तो बहुत सारा समस्या है, आपकी क्या समस्या है जो आप दिल्ली जा रहे हैं राष्ट्रपति जी से मिलने? क्या हो रहा है भारत के सिस्टम को, पूरा एकदम संविधान के धचिया धचिया बना दिया। जो हमारे न्याय करने वाले मनुष्य भैया थे, उनको कोई न्याय नहीं दे रहा है, माने कि वो अपना जो नेता लोग हैं सबको खरीद लिया है, एक तरह से बता रहे थे। हाँ मतलब आपका कहना है कि जो ये जो नेता लोग हैं वो खरीद लिया है, लेकिन आप मतलब इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं कि आप मनीष कश्यप के लिए जा रहे हैं आप राष्ट्रपति जी से मिलने, तो आपको क्या लगता है मतलब आप न्याय दिलवाने जा रहे हैं, आप न्याय दे देंगे राष्ट्रपति जी से, आपसे मिल लेंगे? अब देखिए भगवान घर के तो रास्ता है नहीं, तो एक राष्ट्रीय पति जो है उनका हमें मिलना है, लगता तो है कि अगर आपको भगवान घर का रास्ता पता रहता तो आप भगवान घर चल जाते हैं? उनके के लिए तो हम चल जाते हैं, हम लोग सब होटल चल जाते हैं। मतलब अगर भगवान घर का रास्ता पता होता तो ये लोग वहाँ तक भी चले जाते, लेकिन वो रास्ता इनको मालूम नहीं है, तो ये राष्ट्रपति जी से मिलने दिल्ली राष्ट्रपति भवन जा रहे हैं। तो आपको उम्मीद है कि राष्ट्रपति जी से आपको न्याय मिल जाएगा, मतलब मनीष कश्यप का न्याय दिलवा दीजिएगा? हाँ उम्मीद तो है। आपको उम्मीद है आप न्याय दिलवा दीजिएगा? हाँ उम्मीद तो है। देखिए मनीष कश्यप एक ऐसा शख्स रहा है जो कि बिहार नहीं पूरे देश के किसी भी कोने में मजदूर रहे हो, गरीब रहे हो, असहाय लोग रहे हो, बेरोजगार लोग रहे हो, सभी के लिए वो लड़े हैं। किससे? सरकार से, और उसी सरकार ने उनको जेल में रखा है, तो अब बारी है उन गरीब मजदूर और असहाय लोगों की जो मनीष कश्यप के लिए लड़े। और ये जो है आप लोगों को दिख ही रहा होगा क्योंकि तो हर जिले हर जगह हर गाँव से लोग निकल कर आ रहे हैं और मनीष कश्यप का समर्थन कर रहे हैं। ये बताइए आपको क्या लगता है मनीष कश्यप को कब तक रिहाई हो जाएगा? जब आप राष्ट्रपति जी से मिलने जा रहे हैं तो मिलने के बाद आपको लगता है रिहाई हो जाएगा? ऐसे तो लगता है कि रिहाई हो जाएगा, लेकिन वहाँ गेला के बाद हम आपको फिर, अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति जी आपसे नहीं मिले तो क्या कीजिएगा? वही रहेंगे, वही धरना देंगे सब गोटा। मतलब जब तक राष्ट्रपति जी नहीं मिलेंगे तब तक मैं वहीं रहूंगा? और वहाँ पर रहिएगा कहाँ? वहाँ तो आपको कोई घर द्वार नहीं है, कहाँ रहिएगा? रोड पर रहेंगे, जहाँ मन करे तहाँ रहेंगे, जहाँ जगह मिलेगा तहाँ हम लोग रहेंगे। खाना पीना? खाना पीना मांगों के खाएंगे, नहीं तो भूखे रहेंगे और क्या करेंगे? भूख हड़ताल करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति जी जब तक हमारा बात नहीं सुनेंगे तब तक मैं राष्ट्रपति भवन के सामने ही रहूंगा, ये कहना है इन दिव्यांग लोगों का। जब ये देखिए यहाँ पर जिनको भगवान ने सही सलामत पैर दिया, सही सलामत हाथ दिया, सही सलामत शरीर दिया, वो मस्त खाना पीना खाकर एसी में सोए हुए हैं, और ये बेचारे लोग जिनको भगवान ने न पैर दिया न हाथ दिया, वो लोग मनीष कश्यप के लिए गाड़ी चलाकर 1000 किलोमीटर दूर दिल्ली जा रहे हैं। तो सोचिए कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। जो इंसान जिसके लिए लड़ा,
जो इंसान गरीबों के लिए लड़ा वो इंसान अभी जेल में है, और वो गरीब मजदूर लोग जो है अपना काम कर रहे हैं उस इंसान के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं, तो कल के डेट में उस गरीब मजदूर के लिए वो इंसान के बाद कोई आवाज नहीं उठाएगा। जैसे आज बेरोजगारी बिहार में पैदा है वैसे रहेगा, और तब मत बोलना कभी जा करके कि बिहार तुम हमको रोजगार नहीं दिया, क्योंकि जो बोलने वाला था उसको जेल में जब बंद है तो आवाज आज तुम नहीं उठा रहे हो, तो कल के डेट में तुम्हारे लिए कोई खड़ा नहीं रहेगा। तो तुम मत बोलना कि मेरे लिए कोई आवाज नहीं उठाता है। क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। समर्थन जारी रहेगा, जहां तक होगा मैं पुरजोर समर्थन करूंगा। आपको करना है तो कमेंट बॉक्स में मनीष कश्यप जिंदाबाद भरिए और अपना समर्थन जो है जिस तरीके से हो दिखाइए। जय हिंद।